हेलो माय यूट्यूब फैमिली, तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आखिरकार वो घड़ी आ गई विदा होने की, तो हम आ गए हैं घर से रास्ते में। तो मैंने वहाँ कैमरा ऑन नहीं किया था क्योंकि आप सब समझ सकते हो वो पल थोड़ा इमोशनल होता है, इसलिए मैंने ऑन नहीं किया। थोड़ी सी क्लिप लिया, वो मैं बीच में डाल दूंगी, ठीक है दोस्तों? जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, लेकिन जाना पड़ेगा, कोई बात नहीं। माँ के घर से जाने का किसका मन करता है। मम्मी भी बहुत रो रही थी, पर एक दिन तो जाना ही है। यहाँ बब्बू रो रही है अपनी नानी से बिछड़ने के गम में। माँ खुन्नू रो रहा है बब्बू से बिछड़ने के गम में। बब्बू इधर दिखाओ मुँह, इधर ये देखो कितनी चिढ़ रही है। चोट हो रहा है, वाह ये बस। एक्चुअली में क्या है ना कि बेटी कितने भी दिन रह ले माँ का मन ही नहीं भरता। अभी भी मम्मी कह रही थी कि जॉब तो कर ही रहे हैं तो यहीं रह ले, कोई बात नहीं, थोड़े दिन और। पर कोई नहीं यार, आज ना तो कल जाना ही है। तो आप बने रहे हमारे व्लॉग में एंड तक, बहुत मज़ा आने वाला है। यहाँ तुली का बैठी है, यहाँ उसके पापा हैं, आगे उसकी आगे बब्बू है। आज फाइनली धूप तो बहुत बढ़िया निकल गई है, लेकिन हवा बहुत ठंडी है, इसलिए मैंने हेलमेट के ऊपर से शॉल को लपेट लिया ताकि हवा कम लगे, और बच्चों को भी अच्छे से कवर कर लिया, बब्बू को भी। यहाँ पे किसी की शादी हो रही थी, मैंने वो भी शूट कर ली। अच्छा लगता है ना, कॉमेडी सी हो जाती है। तो जो भी मुझे रास्ते में मिला मैंने सब शूट कर लिया, आप लोग इन्जॉय करना। कितनी प्यारी प्यारी बिल्डिंगें बनी हुई हैं ना, बस यही एक रीज़न है जिसके वजह से मैं मेट्रो में नहीं आती, बाइक पे आती हूँ। बाइक पे चाहे कितनी भी सर्दी लगे, लेकिन ये सब नज़ारा देखने की वजह से मैं बाइक पे आती हूँ, और मुझे अच्छा लगता है ये सब देखना। ऐसा नहीं है कि मैं मेट्रो से नहीं आ सकती हूँ, लेकिन व्यू कितना प्यारा है ये सब देखने के लिए, मैं कुछ भी छोड़ सकती हूँ। बहुत प्यारा व्यू है, सब कुछ देखते हुए चलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ग्रीनरी और प्यारे प्यारे घर, वाओ है ना। तो यहाँ पे एक मंदिर आया था बहुत सुंदर सा, तो मैंने शूट कर लिया, देखिए आप भी। बहुत प्यारा नज़ारा था यहाँ का, है ना, मस्त नज़ारा एकदम। मेरा तो इतना मन लग रहा था, मन कर रहा था यहीं पे उतर जाऊँ, लेकिन कोई नहीं। तो हम यहाँ रुक गए हैं, बच्चों को लग गई है छोटी मोटी सी भूख,
और हवा भी लग रही थी बहुत बाइक पे, और थक भी गए थे बैठे बैठे, इसलिए रुक गए। पीछे देखो ग्रीनरी। तो इनकी नानी ने बहुत सारी चीज रखती थी दुकान में से, तो हम वही खा लेते हैं थोड़ा थोड़ा। तो फाइनली दोस्तों हम घर पे पहुंच चुके हैं। तो मैं बिना चेंज किए कपड़े सबसे पहले अपने प्लांट देख के आती हूँ। आइए आपको भी दिखाती हूँ कैसे हो रहे हैं। पता नहीं पानी वानी डाला है या नहीं किसी ने। तो देखिए प्लांट तो लगभग सारे ठीक ठाक हो रहे हैं, थैंक गॉड। कितना अच्छा लग रहा है ना देख के। सबसे ज़्यादा मिस किया मैंने इनको। गए हैं यार, लेकिन ना पता नहीं कुछ वहाँ जाने की खुशी अलग ही होती है, यहाँ पे आते हैं ना तो पता नहीं क्या अजीब सा होता है मन में, खुशी नहीं हो रही मतलब, लेकिन अपने प्लांट्स को देख के खुशी हो रही है। चलो अब मैं नीचे जाके चेंज कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे, निहार लेती हूँ अच्छे से इनको। देखिए दोस्तों क्या हालत कर रखी है चूहों ने, इतना गंद मचाया है आते ही मैं तो बिल्कुल मन नहीं था काम करने का, लेकिन आते ही लगना पड़ा, इतना गंद कर रखा है। ये देखो कितना गंद निकला है रूम में से, चूहों ने इतना दिमाग खराब कर रखा है। सोफा काट दिया हमारा, सोफा तो ऊपर पहुंचा दिया, उसको तोड़ेंगे। दोस्तों चूहों ने ऐसी बुरी हालत कर दी, यहाँ पे जो सोफा रखा था ना यहाँ पे, पूरे सोफे के छितरे उड़ा दिए। अब वो सोफा मैंने ऊपर पहुंचा दिया, उसको तोड़ लेंगे, लकड़ी जो भी निकल जाएगी सर्दी में जल जाएंगी। और मेरा कॉरियर आया था, उसमें मैंने कुछ चीज़ें मंगाई थी, अपनी माइक था वो जो वीडियो में रिकॉर्ड करते हैं ना आवाज, चूहों ने गायब कर दिया सारे में, ढूंढ लिया कहीं नहीं मिला, पूरे बेड के नीचे ढूंढ लिया, सोफे में देखेंगे अब तोड़ेंगे ना उसको, क्या पता उसमें निकल जाए, वरना घर में तो कहीं है नहीं ना, मूड खराब क्या। तो झाड़ू पोछा तो मैं कर चुकी हूँ, पूरा क्लीन कर चुकी हूँ मैं, लेकिन अभी सामान है जो मुझे संगवाना है, ये देखो कितना सारा है, और इसमें भी अभी इसमें इसमें, तो ये मैं धीरे धीरे कर लूँगी, थोड़ी मैं थक गई हूँ, आके बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन मेरा मन भी नहीं लगता ना गंदगी में आराम करने में, इसलिए मैंने धीरे धीरे कर लिया है सारा संगवा के झाड़ू पोछा, अब ये धीरे धीरे संगवा दूँगी। तो मैं सिर्फ एक झोला लेके गई थी मम्मी के यहाँ पे, सिर्फ एक बैग, और सामान देखो कितना हो गया, वो पूरा भरा पड़ा है वो, और यहाँ पे देखो ये तो खैर बच्चों के बैग हैं, ये वाला देखो ये पूरा है। तो मम्मी ने बहुत कुछ दिलाया है मुझे, मैं आपको धीरे धीरे दिखाती हूँ, कल बनाऊँगी मैं ब्लॉग, उसमें दिखाऊँगी मैं कि मम्मी ने मुझे क्या क्या दिया है। थक गई मैं सच्ची में। चलो कोई नहीं, अभी तो सिर्फ मैंने नीचे नीचे का ही किया है क्लीन, अभी तो ऊपर जाऊंगी, ऊपर क्लीन करूंगी, इसी में थक गई, करना तो पड़ेगा। इतनी धूल मिट्टी हो गई थी, कितने दिन हो गए मुझे गए, पता नहीं 15 दिन हो गए होंगे, 14 को गई थी आई थिंक, उसी में इतनी धूल मिट्टी और चूहों ने, उस माइक का मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, पता नहीं कहाँ डाल दिया। चलो भगवान जी बस मिल जाए, वो हमारे भगवान जी हैं हमारे साथ, मिल जाएगा। तो रास्ते में मुझे जो भी चीज़ें मतलब मस्त लगी ना, मैंने उनकी क्लिप बना लिया, डाल दूंगी, देखना आप। अभी बहुत कुछ काम करना है, खाना भी बनाना है, तो मन नहीं है शूट करने का, बाद में कल करेंगे अच्छे से शूट।
तो मैं नहीं डाल पाई कुछ भी, जो भी मैंने किया। बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा है और देखिए मैं रजाई में पड़ी हूँ। पता है जब तक मैं दिल्ली में रही ना, धूप का नामो निशान नहीं निकला। और सब लोग पता है क्या कह रहे थे कि तू लेके आई है सर्दी, और वरना देख लियो जिस दिन तू जाएगी ना उस दिन धूप निकलेगी ज़रूर। और देखा आपने आज कितनी तेज़ धूप थी। तो बात ना सच हो गई, वाकई मैं ही लेके गई थी दिल्ली में सर्दी। कमाल है ना। तो यहाँ वैसे इतनी सर्दी नहीं है, लेकिन ना तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो मैं नहीं दिखा पाई अब कुछ भी। चलो फिर यहीं पे एंड कर देते हैं, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।